आज मेरे साथ हैं दो ऐसी ब्यूटी पैजेंट विनर्स जिन्होंने अपनी सुंदरता से पूरी दुनिया को सजाया। दोनों ने 70s में पहना मिस इंडिया का ताज, दोनों ने 70s और 80s में किया दिलों पर राज। इनको अपने साथ लॉन्च करना चाहते थे शशि कपूर जी, और इनको अपने साथ लॉन्च करना चाहते थे और किया द देव आनंद जी ने। इनकी जोड़ी बेटे सनी देओल के साथ एकदम हिट थी, तो इनकी जोड़ी पापा धर्म जी के साथ, ये दोनों आज तक एक ही फिल्म में साथ आई हैं और वो फिल्म थी सोनी माहिवाल। पर आज ये दोनों एक बार फिर साथ आई हैं सोनी टीवी पर, और इस एपिसोड का नाम है सोनी में बवाल। प्रेजेंटिंग द टू ऑल टाइम ब्यूटीज ऑफ इंडियन सिनेमा, पूनम ढिल्लन एंड जीनी बेबी उर्फ जीनत अमान जी। आइडल पर पहली बार जीनी बेबी एंड पूनी बेबी एक साथ। जीनत जी, एक्चुअली मैंने आपको भी कभी नहीं बताया, जब हम लोग स्कूल में थे शी वॉज द अल्टीमेट गर्ल क्रश जो होता है ना, उस टाइम पे ये टर्म ही नहीं था गर्ल क्रश, बट आज मैं समझती हूँ कि व्हेन यू आर सो फैसिनेटेड कि आप किसी एक स्टार से ऐसा बनना चाहती हैं, उस जैसे बाल बनाना चाहते हैं, उन जैसा स्टाइल करना चाहती हैं, शी वॉज वन ऑफ अ टाइप एंड अ ट्रेंड सेटर फॉर हर टाइम्स। थैंक यू डियर। If you ever look at Soni Mahiwal and you see Poonam Dhillon, you will be in love with her. Absolutely, absolutely. So nice to be here with you, absolutely Poonam. Absolutely lovely to be here with the Zeenat Aman ji. The one and only. Absolutely. Ek baar zordaar taaliyan Poonam ji aur Zeenat ji. आज जजेस के स्कोर्स और आपके दो हफ्तों के प्रचंड वोट्स के मुताबिक हमें मिलेंगे टॉप 8। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जिंदगी बिन तुम्हारे है तू, कोई ख्वाब है परछाई है सतरंगी रे।
कोई नूर है तू क्यों दूर है तू जब पास है तू एहसास है तू कोई ख्वाब है परछाई है सतरंगी रे ऐसे छुआ हल्का हल्का उंस हुआ हल्का हल्का उंस हुआ दिल को महसूस हुआ तू ही तू तू ही तू जीने की सारी खुशबू तू ही तू तू ही तू आरज़ू आरज़ू छूती है मुझे सरगोशी से आंखों में खुली खामोशी से मैं फर्श पे सजते करता हूँ कुछ होश में कुछ बेहोशी में बात है विनीत आप बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर हैं ऑनेस्टली एंड आई एम सो प्राउड टू बी एबल टू हियर यू यंग सिंगर्स लाइव विनीत जब आप दूसरा गाना खास तौर पे इतनी वेरिएशंस और इतना हाई और इतना इमोशन कर रहे थे आई कुंड रिजिस्ट टेलिंग हिम कितना मुश्किल गाना है ये जो गा रहे हैं पर आपने एंड तक उसे पकड़ के निभाया थैंक यू मैम थैंक यू सतरंगी में कुछ हरकतें ऐसी थी जो सिर्फ एक लेजेंड ही ले सकता है वो तुमने साबित कर दिया तुम किस लेवल के सिंगर हो बिकॉज ये बहुत मुश्किल जगहें जो सोनू निगम ने ली हैं वो फैबुलस और उस गाने को इस लेवल पर लाइव परफॉर्मेंस में एक ही टेक में निभा जाना बहुत बड़ी बात है विनीत फैंटास्टिक जजेस विनीत की परफॉर्मेंस पर स्कोर दीजिए प्लीज थैंक यू विनीत और अब काव्या लिमाए और उनको बैंड बनाने वाले चिराग कोटवाल Thank you.
हर एक अदा तुम्हारी है। कहने को ये दिल है मेरा लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है। तुमसे है चल मेरा तुमसे है मेरा करार। जजेस, ये एक नॉन कंपेटिटिव परफॉर्मेंस था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चिराग सच बता, जब आंटी पास आई तू फूल निकाल रहा था ना जेब से? दे दे यार, दे दे, चल दे दे। घुटना टेक के देना बाबा। मेरी सोनी मेरी तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवाने से हो गई गलती जाने दो यार। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, जो अपने पापा के कदमों पर बिछा देना चाहती है दुनिया का हर जॉय, देवोश्मिता रॉय। Thank you.
करते हैं. स्टैंडिंग ओवेशन बाय द जजेस, कंटेस्टेंट्स, ऑडियंस. क्या गाने हैं, क्या फिल्म है पूनम जी. कमाल, कमाल कर दिया आप. पहली फिल्म आप दोनों की एक साथ, और क्या गाना. माय गुडनेस, मतलब दोनों गाने. मैं एक चीज आज रियलाइज की कि गाना जब बजता है तो समझ में आता है, उसका इंटरल्यूड म्यूजिक, उसका मुखड़ा, उसका कहीं भी छोटा सा बिट गाने का जब प्ले करे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि कौन सा गाना है. ऐसे मेमोरेबल गाने हैं ये दोनों. जीना जी, दिस सॉन्ग ऑफ योर्स चुरा लिया है. मतलब मुझे नहीं लगता एक भी इंसान था इस पूरे हॉल में या जहाँ पे भी जो थिरक नहीं रहा था, क्योंकि गाना ऐसा है कि यू कांट हेल्प बट मूव. डोंट यू थिंक सो. उस वक्त पता नहीं था कि इट वुड हैव सच अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, एंड यू सैंग इट ब्यूटिफुली. थैंक यू मैम. मैं ये रियली मानती हूँ कि आप, और चाहती भी हूँ कि आप बहुत दूर तक जाएं. आई सी यू इन द टॉप 3. कंग्रेचुलेशंस, आपके माता पिता यहाँ हैं, बहुत मुबारक हो. आपका हीरा है जो आपकी बेटी, बहुत चमक रही है और आगे और चमकेगी. थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. देवस्मिता, इट वॉज परफेक्ट. पूरी शिद्दत से खामी निकालने की कोशिश करूं, चांस ही नहीं है कि मिल जाए. यू रॉक दैट सो हार्ड. व्हाट अ सिंगर यू आर देवस्मिता. देवस्मिता, तुमने मौसम बदल दिया. ऐसी बरसातों में कैसा लगता है. हाँ, ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो. ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो. बरखा से बचा लूं, तुझे सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं. बरखा से बचा लूं, तुझे सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं. ओ दिल ने पुकारा, देखो रुत का इशारा, देखो उफ ये नजारा, देखो कैसा लगता है. बोलो. ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके से यहाँ देख रहे हो, देख रहे हो. ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो. भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में. जजेस, ये एक नॉन कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस था. आपका इतना बड़ा फैन हूँ, आपका इतना दीवाना हूँ, मैंने आपकी इतनी सारी मूवीज़ देखी हैं, और आपका एक गाना मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, बहुत बार मैंने सुना है, हम दोनों दो प्रेमी. वो सॉन्ग मैंने इतनी बार सुना है, और उसमें आप सारी में इतने ग्रेसफुल, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं. मैम जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होगा अगर वो मैं आपके साथ रिक्रिएट कर पाऊँ तो. Quickly creating a train. Oh.
हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले लाइफ की ड्रीम पूरी हो गई ना शिवा, अब आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। जीनी जी, फिल्म पुकार में रणधीर कपूर जी देश के लिए वेश बदलकर पार्टी में आते हैं, किसी को उन पर शक नहीं होता है, पर आप बार बार बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे गाकर लोगों का उन पर शक जगा देती है। ऐसा क्यों किया आपने जीनी जी? क्या उन्होंने आपके घर पे आके घंटी बजाकर वो भाग गए थे? नहीं नहीं, वो तो अभिषेक बच्चन जी ने किया था। जी बिल्कुल, लेकिन ये डायरेक्टर साहब ने कहा था करने के लिए, दैट वाज द ओनली रीजन। नहीं, अब तो हमको ये अभिषेक की कहानी जाननी है। नहीं नहीं, ये लोग छोटे बच्चे थे और हम लोग पुकार की शूटिंग कर रहे थे और उन दिनों में भी विस्टिंग है तो फोटोग्वाडा, तो ये बच्चे सब मिलकर गोल्डी अभिषेक वगैरह तो आकर है ना घंटी बजा के भाग जाते थे मेरे स्वीट के दरवाजे का, और मैं निकलती थी ढूंढती थी इनको कि है कहाँ हो क्या रहा है। एंड नो, इसका बदला लिया आपने रणधीर कपूर जी से पिक्चर। चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को 14 फरवरी को, जिनके लिए दर्शन देगा उनका सीक्रेट दीवाना खाकर अयोध्या की इमरती विदित्ता चक्रवर्ती।
थैंक यू. वाओ. कुछ लव्स नहीं मिल रहे हैं. फर्स्टली तो ये दो ग्रेट मास्टर्स आरडी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी. ओह माय गॉड. और आपने भी दिखता क्या खूबसूरती से गाए हैं. बोथ द सॉन्ग्स वर सो मेलोडियस, सो ब्यूटीफुल. और आपकी आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी सुरमे है. और आपने थोड़ी इंडिविजुअलिटी भी डाली वैसे, थोड़े आपने अलग से लचक दिए है ना, डोंट यू थिंक? शी डिड अ ब्यूटीफुल जॉब. विदीप्ता, आप सचमुच बहुत ही सुंदर हो. और जितनी आप सुंदर हो उससे ज्यादा सुंदर आप गाती हो. विदीप्ता, तुम में एक कंप्लीट परफॉर्मर है, एक सुपरस्टार परफॉर्मर है विद अ ग्रेट सिंगिंग टैलेंट. तो और क्या चाहिए? कंप्लीट, एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस. कांग्रेचुलेशंस, इट वाज एपिक, इट वाज इनक्रेडिबल, इट वाज सुपर्ब, इट वाज फैंटास्टिक. रियली वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस. थैंक यू सर. थैंक यू. आप लोग इनकी आवाज की तारीफ कर रहे हैं पर इनकी खूबसूरती की भी सुना है, बहुत चर्चे हैं. यस पूनम जी, है ना? बिल्कुल पूनम जी, उसी तरह चर्चे हैं जैसे आपकी खूबसूरती के चर्चे हैं. और जो अलग अलग डायरेक्टर्स आ रहे हैं इस शो पे, सब आप पे नजर रख रहे हैं. वैसे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपको फिल्मों में आना हो तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रगल्स भी होती हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं. तो अपॉर्चुनिटी जब आती है, अगर आपको शौक है तो आप ग्रैब कर लेना. क्योंकि मैंने एक्चुअली अपनी पहली दो अपॉर्चुनिटीज को ना बोल दिया था. तो मेरी जो पहली फिल्म आई थी त्रिशूल, मैं तब स्कूल में पढ़ती थी और उससे पहले मुझे दो फिल्में ऑफर हो चुकी थी. यश चोपड़ा जी ने मेरी एक तस्वीर देखी थी और उन्होंने मुझे चंडीगढ़ तक जाके खोज निकाला था कि कहाँ पढ़ती है, क्या कौन हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं. तो वहाँ चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक आर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, बलवंत गार्गी जी. वो मेरे पेरेंट्स को जानते थे. एक दिन वो घर पे आ गए और उन्होंने कहा यश चोपड़ा जी आपको एक फिल्म में लेना चाहते हैं. तो ऑटोमेटिकली फैमिली बोले नो नो नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारी फिल्मों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है. तो बट आई थिंक डेस्टिनी में लिखा था. यश जी ने बोला मैं दिल्ली में ही शूटिंग कर रहा हूँ, बॉम्बे आने की भी ज़रूरत नहीं है और वहीं पे आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा छुट्टियों में, आपकी विंटर वेकेशन में. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. मैंने अपनी पहली फिल्म दिल्ली में शूट की एंड आई वेंट बैक टू चंडीगढ़ एंड आई जॉइंट माय प्लस टू, तब मैं टेंथ में थी, एंड कॉलेज ज्वाइन किया. बट डेस्टिनी, उसके बाद मुझे नूरी के लिए बुलाया गया. मैंने कभी वापस आई नहीं बॉम्बे ये सोच के कि मैं करियर परसू करूँगी. सो दैट वॉज माई जर्नी एंड आई होप यू गेट दैट ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव अ फैंटास्टिक जर्नी. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. विदिप्ता, आपने मौसम बदल दिया. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.